विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को लेकर अब असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। सितंबर के अंत में लास्ट ईयर की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट देखिए खास। पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच परीक्षाओं को लेकर तनातनी चल रही है। था संगठन सड़कों पर परीक्षाएं रद्द करने को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने विश्वविद्यालय को परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। इसके बाद यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस भी जारी कर दी। सितंबर के अंत में लास्ट ईयर की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जिसका स्वागत शिक्षकों ने किया। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री विनीत वर्मा का कहना है कि यह फैसला स्वागत योग्य है। यूजीसी ने जो परीक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसके परीक्षाएं सितंबर महीने के अंत तक करा ली जाए और अन्य सेमेस्टर के बच्चों को उनके पिछले सेमेस्टर की परफॉर्मेंस और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आगे प्रमोट कर दिया जाए। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी को देखते हुए जो सरकार ने और यूजीसी ने मिलकर के इस दिशा निर्देश को जारी किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं राज्य सरकार से ये निवेदन करता हूं कि वो जल्द ही इस संबंध में अपना शासनादेश निर्गत करे और विश्वविद्यालयों से इस संबंध में आगे कार्यवाही सुनिश्चित करवाए। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यूजीसी ने कहा है कि सितंबर महीने के आखिर तक इम्तिहान करा लिए जाएं। तो मेरा ये कहना है, परिस्थितियों को देखते हुए, महामारी के संकट को देखते हुए, इसमें जल्दीबाजी ना की जाए। इसकी जो स्कीम घोषित करनी है वो स्कीम जल्द से जल्द घोषित की जाए, लेकिन परीक्षाएं अगर बाद ही कराई जाए। वही फैसले को लेकर छात्रों में कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उनका कहना है कि इस महामारी को देखते हुए सुरक्षा के नजरिए से परीक्षाएं रद्द कराने की मांग छात्र लगातार कर रहे हैं, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइंस आ जाने के बाद अब कितने छात्र इसका सपोर्ट करेंगे ये कह पाना मुश्किल होगा। यूजीसी द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई, हम लोग शुरुआत से ही मांग कर रहे थे कि किसी भी तरीके से छात्रों को, सेमेस्टर जितने भी छात्र हैं उनको प्रमोट किया जाए, और ऐसा गाइडलाइन में कहा गया जिसका हम स्वागत करते हैं। परंतु वार्षिक छात्रों की परीक्षाएं तभी कराई जाएं जब स्थिति सामान्य हो जाए। यदि किसी छात्र को कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री एवं माननीय कुलपति संबंधित विश्वविद्यालय के होंगे, और यदि ऐसा जिम्मेदारी वो लेने को तैयार हैं तो हम सभी लोग, छात्र जितने भी लोग हैं, वो सभी वार्षिक परीक्षा में परीक्षा को देने के लिए तैयार। तो परीक्षाओं को लेकर अब असमंजस की स्थिति साफ हो चुकी है, जब शिक्षक भी इन परीक्षाओं का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन छात्रों के मन में कई सवाल जरूर चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आदेश के बाद यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी। सितंबर के अंत में विश्वविद्यालयों में लास्ट ईयर की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। यूजीसी के इस फैसले से शिक्षक तो खुश हैं, लेकिन छात्रों में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सुनो शर्मा के साथ मयूर शुक्ला, लाइव टुडे, लखनऊ।